बच्चों यहाँ देखें, चैप्टर टू में न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हमारा चालू था। हम पहुंचे थे पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 वारफेयर फॉर द वेल्थ। ठीक है, अभी 2 मिनट वीडियो पॉज करो और पहले आपके ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक निकालो। ठीक है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक निकालो, आपकी ट्यूशन की नोटबुक निकालो, पेंसिल पेन। ठीक है, पेज नंबर 20 ओपन कर लो, फटाफट पेज नंबर 20 ओपन करो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, हम कर रहे हैं वारफेयर फॉर वेल्थ। अच्छा, वारफेयर का मतलब लड़ाई झगड़ा, फॉर वेल्थ पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा। अब राजा बन गए ये लोग, हमने पढ़ा कि भाई ये लोग कैसे राजा बन गए, राजा एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगे, भाई पावर बांट के एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगे। अब इनके पास पैसा कहाँ से आया, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। सो वारफेयर फॉर वेल्थ में लड़ाई झगड़े के लिए पैसा, ये लोग पैसा मतलब पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे ये लोग राजा। ठीक है, सो क्या करते थे ये लोग, सो सबसे पहले देखो, एक सिटी ऑफ कन्नौज थी, कहाँ थी ये कन्नौज सिटी, ये थी गंगा वैली में, एक सिटी ऑफ कन्नौज थी। अब ये जो सिटी ऑफ कन्नौज थी, तो यहाँ इस सिटी के पीछे पता है कौन कौन पड़े हुए थे, मतलब ये सिटी बहुत कहते हैं ना वो, ये बहुत अच्छी सिटी थी। ठीक है, इस सिटी के पीछे 3 रूलर्स पड़े हुए थे, कौन कौन, 3 रूलर्स, इस सिटी के पीछे 3 रूलर्स पड़े हुए थे कि हम इस पे कब्जा करें। पहले तो ऐसे ही होता था, बस कोई भी कभी भी किसी से भी जाके झगड़ा करके कब्जा कर लेता था। सो इस सिटी के पीछे, कौन से 3 रूलर्स पड़े हुए थे। सो पहले वाला है गुर्जारा प्रतिहारा, पहला रूलर कौन पड़ा था इस पे, गुर्जारा प्रतिहारा, इसको अटैक करना चाह रहे थे कि ये सिटी अपना हाथ, हम ये सिटी हम हथियाएं। दूसरा कौन सा रूलर इसके पीछे, गुर्जारा प्रतिहारा के बाद राष्ट्रकुता वाली डायनेस्टी, ये लोग भी इसके पीछे थे कि ये सिटी तो हम ले लें, राष्ट्रकुता। ठीक है, ये लोग भी चाह रहे थे कि ये वाला, ये सिटी तो हम लें। फिर तीसरा पाला, ये वाली डायनेस्टी भी चाह रही थी कि ये सिटी हम अपना है। ठीक है, सो पाला ये जो है हम अपना है। ठीक है, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्राउन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। क्योंकि ये तीन राजा थे, डायनेस्टीज थी, ये तीनों कौन सी सिटी के लिए लड़ते थे, इस सिटी के लिए लड़ते थे, तो इसलिए इन तीनों को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राई मतलब तीन, पार्टाइट मतलब तीनों, स्ट्रगल ठीक है, झगड़े करते थे। ठीक है, किसके पीछे, इस सिटी के पीछे, तो क्या कहा गया है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, अच्छा अब ये और क्या करते थे रूलर्स, अपना पावर बताने के लिए टेंपल्स पे मतलब टेंपल्स बनाते थे, और ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे को अटैक कर लेते थे, और कई बारी तो टेंपल्स लूट लेते थे ये राजा लोग। ठीक है, पैसे के लिए ऐसा ऐसा करते थे पिछले ज़माने में। ठीक है, और सबसे ये ऐसा काम करने के लिए एक बहुत ही रूलर फेमस हुआ था, जो ऐसा करता था भाई, मंदिरों पे अटैक करता था और दूसरों के राज्य लूट लेता था, वैसे लुटेरा टाइप नहीं, लुटेरा टाइप एम्परर एक फेमस हुआ था, उसका नाम था सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद जो कहाँ का था, अफगानिस्तान गजनी, कैपिटल है अफगानिस्तान का तब था। सो कौन फेमस हुआ था, सुल्तान महमूद कहाँ का था, गजनी का था। गजनी कहाँ आया, अफगानिस्तान में आया, गजनी कैपिटल है अफगानिस्तान। और सुल्तान का मतलब अरब भाषा में सुल्तान का मतलब क्या होता है, राजा। ठीक है, सो रूलर। ठीक है, सो सुल्तान महमूद गजनी कहाँ का था, अफगानिस्तान। गजनी क्या है, गजनी जगह का नाम है, ये गजनी जगह का राजा था महमूद गजनी जगह का राजा था। गजनी जगह आई कहाँ, अफगानिस्तान में आई, अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट है, इसने कब से कब तक रूलिंग किया, ये मतलब कब से कब तक राजा था, 997 से 1030 तक। ठीक है,
997 से 1130 तक ये राजा था। अच्छा और इस सॉरी 1030 तक, 997 से 1030 तक ये राजा था। सो इसने क्या किया, इसने अपना जो कंट्रोल है, कंट्रोल कहाँ कहाँ फैलाया, इसने सेंट्रल एशिया पे जाके कब्जा किया, ईरान पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ देखो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में जहाँ भी सब कॉन्टिनेंट वर्ड आए तो समझ लो इंडिया, ठीक है, जहाँ सब कॉन्टिनेंट वर्ड पढ़ते हो वो इंडिया हुआ, ठीक है। सो इसने यहाँ यहाँ फिर इसने क्या किया, ही रेडेड, इसने रेड किया सब कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट हिज टारगेट्स, वो हमारे इंडिया पे ऑलमोस्ट हर साल आके दावा बोलता था, मतलब हमला करता था। और उसका टारगेट पता है क्या होते थे, इंडिया के अमीर अमीर मंदिर। आपको पता है ना इंडिया के अमीर मंदिर कितने अमीर हैं, ठीक है। आप साउथ के मंदिरों के नाम सुनते हो आप, नहीं सोने के, पर हमारे खुद के गुजरात में अंबाजी टेम्पल है, ठीक है। सो शुरू से ही हमारे मंदिर बहुत ज़्यादा अमीर रहे हैं, वेल्दी रहे हैं। सो इवन हमारे जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उस पर भी आके ये जब देखो आके लूट के जाता था। तो वो क्या करता था, ये यहाँ से लूट के इंडिया को लूटने हर साल आ जाता था, दावा बोलने आ जाता था, लड़ाई झगड़ा करके लूट के जाता था, और जाके अपना ये जो पैसा लूट के जाता था अपने कैपिटल गजनी पे लगाता था। ये क्या करता था, इसने अपनी सिटी को अच्छा बनाने के लिए वो टारगेट करता था अलग अलग देश, उसमें से इंडिया भी एक था, सब कॉन्टिनेंट भी एक था, और वो यहाँ पे मंदिर आके लूट के जाता था, सोमनाथ मंदिर आके लूट के जाता था। अच्छा इसके बाद ये सुल्तान महमूद जो था, अब वो लूटता था सारे राज्य, वो सबको कॉन्कर करता था, कॉन्कर करना मतलब हथियार लेता था। फिर वो उसको है ना फिर इच्छा होती थी कि मैं जानूँ ये लोग क्या हैं, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान का राजा, इंडिया इसने इंडिया कॉन्कर किया, इंडिया का कोई रीजन कॉन्कर किया, उसको पता करना है ये लोग क्या हैं, क्यों हैं, क्योंकि हम सब अलग होते हैं। सो उसने क्या किया, उसने एक स्कॉलर बिठाया, स्कॉलर मतलब एक पढ़ा लिखा एक इंसान बिठाया, उसका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी कौन था, स्कॉलर था, इसका सुल्तान महमूद गजनी का रखा हुआ, अल बिरूनी कौन था, स्कॉलर का मतलब बहुत कहते हैं ना महान, वो ज्ञानवान, ज्ञानी, ठीक है, वो ज्ञानी उसने बिठाया कि भाई किताब लिख तू। अल बिरूनी को बोला तू किताब लिख इंडिया के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में किताब लिख। और उसने किताब भी लिखी और उस किताब का नाम लिखा किताब उल हिंद। इसने कौन सी किताब लिखी, अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी, कौन सी बुक लिखी, उसने लिखी बुक का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद किसने लिखी, अल बिरूनी स्कॉलर ने लिखी किताब अल हिंद। सो इसने ये लिखने के लिए संस्कृत के बहुत सारे हिस्टोरियन से भी बात की। फिर बाकी जो किंग्स थे वो लोग भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करते के मतलब कर कर के अमीर बनते थे। सो उनमें से एक था, इसके अलावा था चाहमनास राजा थे, ये लोग भी लड़ाई झगड़ा करके दूसरे राज्य दूसरे देशों को लूट के उनको कॉन्कर करके अमीर बनते थे। तो दूसरे ऐसे कौन थे, चाहमनास ये भी एक मतलब चाहमनास ये डायनेस्टी है, डायनेस्टी रूल, चाहमनास डायनेस्टी मतलब अंपायर नाम होते हैं ना, अंपायर्स के नाम होते हैं। सो चाहमनास उस अंपायर का नाम था, और बाद में इन राजाओं को चौहान्स कहा गया, चाहमनास फिर इनको आगे जाके चौहान कहा गया, चौहान्स भी बोला जाता था, ठीक है, चौहान्स भी बोला जाता था। और इन ये कहाँ से कहाँ तक इन्होंने रूल किया, इन चौहान्स ने या चाहमनास ने, दिल्ली से अजमेर तक, ठीक है, इन्होंने ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, ठीक है, दिल्ली एंड अजमेर के इर्द गिर्द इन्होंने रूलिंग की, किसने, चाहमनास चौहान ने। ये भी ये राजा भी फेमस थे दूसरे देशों को लूटने के लिए, दूसरे देशों को कॉन्कर करने के लिए, मंदिरों को लूटने के लिए, क्यों, ताकि ये अमीर होए। तो इनका राज्य कहाँ से कहाँ तक था, चौहान से या चाहमनास का राज्य दिल्ली से अजमेर के अराउंड था, ठीक है, उस टाइम। और वो भी वो कोशिश करते थे कि अपना पावर फैलाएं, और पर उनको जब वो अपना
पावर फैलाने निकले, मतलब पूरे भारत में अपना पावर फैलाना चाह रहे थे, तो इनको किसने अपोज किया? चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गहाडवलास ऑफ वेस्टर्न यूपी। जब ये लूट जा रहा, सारा इंडिया लूटने निकले, वे सबको कॉन्कर करने निकले, सब जीतना है, सब हमारा करना है, सो इनको किसने किसने अपोज किया? इनको अपोज किया, इनको अपोज किसने किया, इन राजाओं को किसने अपोज किया? दो ने, ठीक है, अपोज्ड बाय कि कौन से राजाओं ने इनको रोका, भाई नहीं तुम हम पे कब्जा नहीं कर सकते, दो राजाओं ने इनको रोका, अपोज किया। राजाओं का नाम नहीं लिखा हुआ है, उनके एम्पायर्स का नाम है, तो किस किस ने रोका? चालुक्यास, उस टाइम चालुक्यास एम्पायर, चालुक्या डायनेस्टी थी गुजरात में, उन्होंने गुजरात में इनको घुसने नहीं दिया। चालुक्यास ये कहाँ के थे? दिल्ली अजमेर साइड का, ये दिल्ली अजमेर साइड के एम्पायर्स थे, ये दिल्ली अजमेर साइड की डायनेस्टीज थी, और ये लोगों को पूरा भारत अपने हाथ में करना चाह रही थी, तो जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात के चालुक्यास ने इनको घुसने नहीं दिया। चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ गुजरात बोले भाई नो एंट्री, ठीक है, नो 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 एंट्री, ठीक है, नहीं घुसने दिया। और किसने नहीं घुसने दिया? गहाडवलास ने, ठीक है, गहाडवलास, ठीक है, गहाडवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वालों ने भी नहीं घुसने दिया, भाई हम नहीं घुसने देंगे हमारे देश में, भाई हमारे शहर में हम नहीं घुसने देंगे। एंड ये सारे वो नाम है, देखो चालुक्यास, ठीक है, ये उनकी डायनेस्टी का नाम है, फिर गहाडवलास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे फेमस ये जो चाहमना रूलर था, जो ये चौहान चाहमना, इनमें सबसे चाहमना चौहान क्या है? डायनेस्टी का नाम है, डायनेस्टी मतलब भाई उनके साम्राज्य का नाम, साम्राज्य, जैसे बाहुबली पिक्चर देखी थी तो माहिष्मती क्या था? साम्राज्य था, तो ये सारे साम्राज्य डायनेस्टी का नाम है, ठीक है। सो ये चौहानास, ये चामनास, चौहान, चालुक्या, गहाडवलास, ये सारे गुर्जारा, प्रतिहार, ये क्या है? ये सारे किसके नाम है? ये सारे साम्राज्य डायनेस्टीज के नाम है, ठीक है। तो यहाँ इस डायनेस्टी का जो सबसे फेमस रूलर था चामना का, बेस्ट रूलर जो बहुत फेमस हुआ, उसका नाम था पृथ्वीराज थ्री, ठीक है। और उसने कौन सबसे ज्यादा फेमस रूलर था चामना का? सो सबसे बेस्ट रूलर, बेस्ट रूलर ऑफ चाहमना, चाहमनास का बेस्ट रूलर, व्हाट इज द नेम, ठीक है, इसका बेस्ट रूलर था पृथ्वीराज थ्री था बेस्ट रूलर। क्या नाम था? पृथ्वीराज थ्री। अच्छा ये थ्री क्यों लगाया है? मतलब पहले क्या होता था, ये लोग जैसे बच्चे पैदा होते थे ना राजाओं के, तो उनका कुछ नया नाम नहीं रखते थे, वैसे 1 2 3 रख देते थे, ठीक है, जैसे भाई भाई ये पृथ्वीराज थ्री है, तो उसके पहले इसके जो पापा रहे होंगे पृथ्वीराज टू रहे होंगे, उसके बाद उसके ऊपर उसके ग्रैंडफादर रहे होंगे वो पृथ्वीराज वन रहे होंगे, ठीक है। सो ये लोग क्या करते थे, उसी नाम को आगे बढ़ाते थे, ठीक है, 1 2 3, इनको इनके पास नामों की कमी रही होगी, ठीक है, नाम नहीं मिलते होंगे, जस्ट जो कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग मतलब वो अपना फेम, जैसे इसके दादा बहुत फेमस रहे होंगे, जैसे पृथ्वीराज है, इसके दादा बहुत फेमस रहे होंगे, तो इसके दादा के नाम से वट पड़ता है, तो इसका दादा क्या चाह रहा है, ये वट बना रहे आगे, तो उसने अपने लड़के का नाम भी वही रखा, उसके लड़के ने भी अपने लड़के का नाम वही रखा, ये वट जो ये हमारी इज्जत है, इस नाम से उनको ऐसा लगता था कि नाम से, जो नाम से हमारी इज्जत है, पर वो गलत है, काम से इज्जत होती है, सो ये लोग ऐसे रखते थे। अच्छा फिर पृथ्वीराज थ्री, अच्छा इसने रूल कहाँ से कहाँ तक किया? 1168 से 1192 तक, 68 से 92 तक इसने रूल किया। इसने क्या किया, किस किस को डिफीट किया? इसने हराया, किसको हराया? अफगान के रूलर, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी, ये नाम इस रूलर को इसने हरा दिया। किसने हराया? पृथ्वीराज थ्री ने। सो पृथ्वीराज थ्री ने किसे हराया? पृथ्वीराज थ्री ने किसको हराया?
अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद घोरी, अफगान रूलर को हराया। अफगान रूलर क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद घोरी को हराया। कब हराया? इन 1191 पर, दूसरे ही साल 1191 में इसने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को हराया। पर दूसरे ही साल फिर से इनकी लड़ाई हुई और दूसरे साल घोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। देखो लड़ाई नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? ये तो गेम चल रही है जैसे, ये तो लड़ाई में तो हार गए ना। इसने एक साल उसने हराया तो दूसरे साल उसने हराया, ऐसा हुआ। सो नेक्स्ट ईयर मतलब 1192 में क्या हुआ? 1192 में घोरी डिफीटेड, किसको डिफीट किया? पृथ्वीराज को डिफीट किया घोरी ने, ठीक है? घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज, पहले पृथ्वीराज ने घोरी को किया, फिर घोरी ने पृथ्वीराज को किया, ठीक है? इसके बाद ये आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि राजा कैसे अपने पैसे बढ़ाते थे, राजा अपने पैसे कैसे बढ़ाते थे। अब हम चलेंगे सीधा साउथ की ओर। अब हम आए हैं पेज 22 पे, ठीक है? सो ये पेज 22 है। अब हम ये साउथ के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ये साउथ के राजा हैं। आप देखो, आपने जब भी पढ़े हैं, आपने ना हमेशा आपने जब भी जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, आप अकबर सुनते हो, औरंगजेब सुनते हो, आप पृथ्वीराज चौहान सुनते हो, पृथ्वीराज आप जो नाम सुनते हो, कौन कौन से रूलर के सुनते हो? नॉर्थ के रूलर्स के, वेस्ट के, ईस्ट के, कभी आपने साउथ के रूलर्स के नाम, ठीक है, जो केरला वगैरह इस साइड के रूलर्स के नाम ही नहीं सुने। तो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? सो उस साइड कौन सी डायनेस्टी पड़ती थी? चोला डायनेस्टी साउथ में पड़ती थी, ठीक है? साउथ वाला नीचे केरला, साउथ इंडिया साइड, ठीक है? वो वहाँ के रूलर्स के तो नाम हमें पता भी नहीं होंगे। तो इस बारी के हिस्ट्री में आपको उन साउथ के रूलर्स के नाम जो आपको पता नहीं है इतने टाइम से, आज पढ़ने हैं, ठीक है? सो अभी हम वो चोला डायनेस्टी जो नीचे रूलर्स थे, ठीक है, साउथ की डायनेस्टी में रूलर्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सो ये रूलर्स क्या थे? ये रूलर्स भी साउथ इंडिया के रूलर्स, जो चोला डायनेस्टी थी उसके लिए भी इस बुक में खासा लिखा हुआ है, ठीक है? ये भी एक पूरा टॉपिक है आपका। सो टॉपिक का नाम है पेज नंबर 22 पे, फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर, क्योंकि साउथ का नाम है, ठीक है, इसलिए इतना ऑकवर्ड नाम है, उरायूर टू थंजावुर। सो चोला एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी रही है, ठीक है, बहुत फेमस डायनेस्टी रही है। वो पावर में कैसे आई? सो अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तरायर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। अब देखो, एक फैमिली थी जिसका नाम था मुत्तरायर, ठीक है, मुत्तरायर, ठीक है, ये मुत्तरायर करके फैमिली थी, मुत्तरायर करके साउथ में एक फैमिली थी। ये बहुत उन्होंने अपना पावर कहाँ फैलाया? कावेरी डेल्टा, साउथ में नदी बहती है कावेरी डेल्टा, उसके बाजू में अपना पावर फैलाया मुत्तरायर फैमिली ने, कावेरी डेल्टा में अपना पावर फैलाया, ठीक है, पावर स्थापित किया। इसके बाद क्या हुआ? ये कौन से राजाओं के नीचे थे? ये थे, दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। ये किसके सबॉर्डिनेट्स थे? ये मुत्तरायर फैमिली किसकी सबॉर्डिनेट थी? पालव किंग्स ऑफ कांचीपुरम के राजाओं की ये सबॉर्डिनेट थी, ठीक है, ये सबॉर्डिनेट थे इसके, पालव किंग्स ऑफ कांचीपुरम के ये सबॉर्डिनेट थे, ठीक है। पहले देखो, पल्लव राजा थे कांचीपुरम के पल्लव राजा थे, उनके सबॉर्डिनेट कौन थे? ये सबॉर्डिनेट थे, ठीक है, ये कौन थे? सबॉर्डिनेट मतलब ये राजा नहीं, राजा अपना नहीं, पहले नहीं करते थे कि तू इस मेरी तरफ से ये राज्य संभाल। तो इस फैमिली को, इस पल्लव किंग्स ने, मुत्तरायर ये फैमिली थी पूरी, मुत्तरायर फैमिली थी, डायनेस्टी थी, छोटी सी डायनेस्टी या छोटी सी फैमिली मान लो, इनको भाई उनको पावर दिया था। अब क्या हुआ? अब विजय विजय विजयलिया हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफ फैमिली
चीफ ऑफ चोलास फ्रॉम उरैयूर कैप्चर्ड द डेल्टा। फिर एक विजयलया थे, ठीक है, विजयलया ने क्या किया, विजयलया ने क्या किया, ये विजयलया कहाँ थे, चोलास फैमिली के थे, कहाँ से, फ्रॉम चोलास फ्रॉम उरैयूर, कहाँ के थे ये, चोलास फ्रॉम उरैयूर, उरैयूर जगह का नाम है। सो इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला डेल्टा इनसे छीन लिया, कावेरी डेल्टा विजयलया ने इनसे छीन लिया। सो उरैयूर ने, उरैयूर वालों ने मुत्रैयर वालों से डेल्टा छीन लिया, कावेरी डेल्टा पे वो राज करते थे, वो छीन लिया, ठीक है। तो इन्होंने कैप्चर्ड डेल्टा फ्रॉम मुत्रैयर, इस फैमिली से वो डेल्टा छीन लिया। ठीक है, फिर उन्होंने, इसने क्या किया, विजयलया ने क्या किया, विजयलया एक राजा था, ठीक है, विजयलया राजा था, कहां, किसका राजा था, चोलास, चोलास का राजा था, कहां से, उरैयूर, उरैयूर जगह से ये राजा था। इसने क्या किया, इसने मुत्रैयर, मुत्रैयर जो डायनेस्टी थी उससे ये छीन लिया, उनका डेल्टा, कावेरी डेल्टा छीन लिया। और उसने क्या किया, उसने थंजावुर टाउन बनाया, इनको इनको छीन के, फिर उसने क्या किया, वहां पे थंजावुर टाउन बनाया, किसने, विजयलया ने, विजयलया बिल्ट थंजावुर, थंजावुर टाउन, ठीक है, जैसे हमारा पाटन है वैसे थंजावुर करके टाउन बनाया इसने, थंजावुर टाउन बनाया, किसने बनाया, विजयलया ने बनाया। और उसने टेम्पल भी बनाया, गॉडेस निशम बसुदिनी, निशम बसुदिनी का टेम्पल भी बनाया, इसने टेम्पल भी बनाया, एंड टेम्पल ऑफ गॉडेस निशम बसुदिनी, ठीक है, ये वाली गॉडेस का, जैसे हम मंदिर नहीं बोलते माता का मंदिर, भाई अम्बे माता, खोड़ियाल माता, सो वैसे साउथ में, ऑब्वियसली साउथ में ऐसे टफ टफ नाम ही होंगे ना, केरला के लोगों के नाम सुनो आप, ठीक है, इतने ऑकवर्ड नाम होते हैं, हम बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है, हम जो इस साइड वाले हैं हम लोग नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, सो उनको वैसे ही हमारे नाम उनको ऑकवर्ड लगते होंगे। सो ये क्या नाम, ये उनकी गॉडेस का नाम है, उनकी देवी का नाम है, जैसे हम नहीं मानते हैं अम्बे माता शेरावाली, हम नहीं मानते हैं, सो वैसे वो उनकी गॉडेस है वहां की, ठीक है, थंजावुर की, निशम बसुदिनी, निशम बसुदिनी है उनकी गॉडेस। द सक्सेसर ऑफ विजयलया कॉन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम ग्रू एंड साइज द पांड्या एंड पलट टू द साउथ एंड वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब विजयलया के जो आगे आए, विजयलया के जो विजयलया राजा थे उसके बेटे वगैरह थे ना आगे, वो भी बहुत पावरफुल थे, उन्होंने भी सारा लूटमार, मतलब वो भी सारी टेरिटरीज जीतते गए जीतते गए। और फिर उनकी जो पांड्यान, पांड्यान एंड पल्लव टेरिटरीज, सो इनकी एक पांड्यान टेरिटरी साउथ में बहुत फेमस हुई और दूसरी है पल्लव टेरिटरीज, ठीक है। अच्छा, इन्होंने वो छीन ली, किसने, ये विजयलया वालों ने, ठीक है, मतलब ये उरियर, उरियर वालों ने पल्लवा और पांड्यान छीन ली, ठीक है, दे कॉन्कर्ड, विजयलया वालों ने क्या कॉन्कर कर लिया, पांड्यान और पल्लव टेरिटरीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 23 पे, तो जो राजा राजा वन था कंसिडरेड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, ठीक है, चोला रूलर का सबसे बड़ा महान राजा, ये जो चोला 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 रूलर चल रहे हैं, सो चोला रूलर का सबसे जो महान राजा कौन माना जाता था, राजा चोला भी एक डायनेस्टी थी साउथ में, ठीक है, सो ये चोला राजा सबसे पावरफुल माना जाता था, कौन है चोला का राजा, चोला डायनेस्टी का राजा, चोला डायनेस्टी का राजा, सो कौन था, राजा राजा वन, इसका इजी नाम है राजा राजा, दो बार राजा राजा, एक ही जने का नाम है, नाम देखो क्या जबरे नाम है साउथ में, ठीक है,
राजा राजा, ठीक है, एक ही नाम है ना, राजा राजा एक ही नाम है, साउथ के राजा का नाम है राजा राजा वन। कंसीडर द कहाँ का पावरफुल रूलर था वो, चोला डायनेस्टी का। अब आएगा कि चोला डायनेस्टी कैसे पावर कैसे फैला, चोला साउथ में डायनेस्टी उसका पावर कैसे फैला। सो राजा राजा वन था वो किसका था, चोला डायनेस्टी का रूलर था, रूलर ऑफ चोला, चोला डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। इसने क्या किया, ये राजा बना 985 में और इसने भी लूटपाट मचा दी, कॉन्कर करना चालू कर दिया सबको जाके, वो मतलब सबको अपने में वो कर देता था। राजा राजा का सन था राजेंद्र वन, उसने भी क्या किया, वो भी जाके धावा बोल देता था, उसने गंगा पे गंगा वैली मतलब गंगा की घाटी पे धावा बोला, श्रीलंका पे, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज पे, इस तरह से ये लोग क्या करते थे, सब पे जाके धावा, मतलब ये खुद तो इतना था राजा राजा वन, उसका जो लड़का था राजेंद्र वन वो भी ऐसे करता था, ठीक है। सो राजा राजा सन, राजा राजा सन, राजा राजा के सन का नाम क्या था, इसके लड़के का नाम था राजेंद्र वन, ठीक है, वो भी अपने बाप की तरह बस सब कॉन्कर करता रहता था, ठीक है, राजेंद्र वन की तरह ये भी सब कॉन्कर करता रहता था अपने पापा की तरह, ठीक है। क्या क्या जाके लूटा इसने, गंगा लूटी, श्रीलंका लूटा, मतलब लूटना नहीं, अपने राज्य में उनको शामिल कर लिया, ठीक है, मतलब जाके उन पे धावा बोला कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, चलो, तो वो हार गए ऐसे। सो कई लड़के हारे ऐसा भी है। फिर इन्होंने क्या किया, थंजावुर बिल्ट बाय राजा राजेंद्र। अब इन्होंने देखो राजा क्या करते थे, मतलब फेमस हो जाते थे। अब आपने इतना देखा कि चोला डायनेस्टी अच्छी चल रही है, चोला डायनेस्टी का उसका पापा था राजा राजा, उस वो भी फेमस रहा, उसका बेटा था राजेंद्र वन वो भी फेमस रहा, तो ये किंग्स क्या करते थे, फेमस हो जाते थे ना तो बड़े बड़े मंदिर बनाते थे अपने नाम पे, भाई आगे जैसे आज हम ही देखते हैं, सो हम किसी मंदिर में जाते हैं, ये फिर हम जाके उसके बाहर एक तख्ती होती है उस पर पढ़ते हैं, भाई ये तो ये वाला मंदिर, ये राजा ये रानी बना के गए। वो क्या करते थे, खुद का नाम फेमस हो भाई, सदियों तक सब हमको याद रखे, तो इतने मतलब इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते थे ये लोग। सो इन्होंने राजा राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया, तो राजा राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया, तो ये जो राजा राजा नाम राजा राजा, ये राजा राज वन ने कौन सा टेम्पल बनाया, थंजावुर बिल्ट बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर, मतलब जब ये फेमस हो, जब पावरफुल होते थे ना, इनका बहुत पावर चलता था, तो ये अपने नाम पे फेमस टेम्पल्स बनाते थे, सो इसने थंजावुर में टेम्पल्स बनाए। फिर इसके बाद राजेंद्र, राजेंद्र ने भी, राजेंद्र जो उसका बेटा था राजेंद्र वन ने भी, राजेंद्र वन ने भी टेम्पल्स बनाए, कहाँ पे बनाए, गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम में इसने भी टेम्पल्स बनाए, ठीक है, बिल्ट बिग टेम्पल्स है। नाम देखो जगह का, गंगाई कोंडा, गंगाई कोंडा चोलापुरम, चोलापुरम, ठीक है। अच्छा, अब जो ये चोला टेम्पल्स थे वो लोग वहां के अब रहने लगे, ठीक है, मतलब आजू बाजू टेम्पल्स के आजू बाजू ये जो राजाओं ने टेम्पल्स बनाए, ठीक है, राजा राजा ने बनाए, फिर और किसने बनाया, उसके लड़के ने राजेंद्र ने बनाया, तो ये टेम्पल्स बने तो लोग के आजू बाजू आके रहने लगे। आप देखते हो ना टेम्पल्स के आजू बाजू भीड़ कितनी होती है, वहाँ लोग बहुत रहते हैं, क्यों, उनको ऐसा लगता है भाई सुबह सुबह चलो दर्शन करने जाए, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी रहे वैसा। सो दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, टेम्पल्स आर विंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑफ ऑल स्पेशलिस्ट हू वर्क एट द टेम्पल, मतलब ये मंदिर बहुत अच्छे से चलाए जाते थे वहाँ, भाई जो भी मंदिर में ऐसे चंदा वगैरह आता था, मंदिर में म्यूजिशियंस होते थे, स्वीपर्स, कुक्स, ठीक है, फूल बनाने वाले, ठीक है। सो मतलब एक मंदिर में सिर्फ आप देखो तो मंदिर खाली, तब ये जो मंदिर था चोला का मंदिर था, ये चोला जो मंदिर बनवाते थे वहाँ खाली आप पूजा प्रार्थना नहीं, वर्शिप नहीं होती थी,
एक तरह से लोग कल्चर, एक तो उनका कल्चर बढ़ता था मंदिर से, ऑब्वियसली कल्चर, फिर इकोनॉमिक पैसा भी आता था ना, क्योंकि श्रद्धालु दान देके जाएंगे, फूल वाले की कमाई होगी, चप्पल वाले की कमाई होगी, ठीक है, जो प्रीस्ट है उसकी कमाई होगी, वहाँ जो खाना बनाते हैं मंदिर में, उन्हें खाना खिलाते हैं एक दो टाइम, उसकी कमाई होगी, तो ऐसे मतलब सबकी कमाइयाँ भी होती थी, इकोनॉमिक एक मंदिर की वजह से इकोनॉमी भी बढ़ती थी, और सोशल, ठीक है, मतलब जो आप समझो आपका जो कुल देवी कुल देवता है उसको भी याद करते थे, मतलब सब कुछ होता था, मंदिर खाली वर्शिप के लिए नहीं, इकोनॉमिक कल्चरल सोशल सब चीज़ों का था, ठीक है। सो अमंग द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्ट, चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। सो सब ये लोग है ना ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है ना एक तरह का मेटल आता है, जैसे कॉपर ये सब एल्यूमिनियम में मेटल आते हैं, वैसे ब्रॉन्ज एक मेटल आता है, ठीक है। ये देखो ब्रॉन्ज की मूर्ति बनवाते थे चोला मंदिरों में, ऐसी ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ होती थी, ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है, ठीक है। ये तो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस, ठीक है, तो कहाँ की चोला, ये चोला डायनेस्टी पढ़ रहे हो आप, सो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस, चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडरेड amongst the finest in the world, ठीक है। सो इस तरह से इसके बाद ये आपने मंदिरों के बारे में, मतलब चोला डायनेस्टी में कैसे राजा फेमस हुआ आपने वो पढ़ा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं भाई एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या हुआ, एग्रीकल्चर इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी, ठीक है, खेती बाड़ी इरिगेशन का क्या हुआ। सो एग्रीकल्चर इरिगेशन में मतलब अभी ये जो चोला राजा थे ना वो अभी एग्रीकल्चर की भी फील्ड में आगे बढ़े, ठीक है, वहाँ पर भी वो अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई कावेरी, जो कावेरी रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके बहती है, तो दिस फर्टाइल सॉइल अंडर बैंक वाटर फ्रॉम, तो वो मतलब उनके पास कावेरी थी, ठीक है, कावेरी नदी थी, सो कावेरी नदी की वजह से वहाँ अच्छा था एग्रीकल्चर। सो तमिलनाडु में पहले से ही एग्रीकल्चर अच्छा फैला हुआ है, फिफ्थ सिक्स सेंचुरी में और ज़्यादा ये लोग कल्टीवेशन करने लगे, मतलब और ज़्यादा एग्रीकल्चर करने लगे ये लोग, फिर इसकी जगह इसके लिए एग्रीकल्चर करने के लिए ना फॉरेस्ट उखाड़ देते थे, सारे फॉरेस्ट उखाड़ देते थे और फिर लेवल कर लेते थे, और फिर ये एम्बैंकमेंट्स बनाते थे। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है, वो तालाब के आजू बाजू वो घेरा बनाते ना, एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, मतलब एक ऐसे ही मतलब आजू बाजू नहीं ऐसे स्पेस बना देते, एम्बैंकमेंट्स बनाते थे ताकि भाई एम्बैंक वो है ना, पता क्या होता है वेल्स वगैरह होते हैं ना आजू बाजू, ऐसे एम्बैंकमेंट मतलब आप चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर लगा देते हो, कभी भाई बाढ़ वाड़ आए तो उसमें से पानी ओवरफ्लो ना हो इसीलिए, ठीक है। सो इस तरह से तब ये लोग पानी देते थे आर्टिफिशियली, इरिगेशन के मेथड्स यूज करते थे, ठीक है। सो मतलब ये एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा अच्छा किया इन लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, पेज नंबर 25 पे आ जाओ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, अब मतलब तंत्र, ठीक है, सारा तंत्र कैसे, मतलब सारा मैनेजमेंट कैसे होता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खूब फल रहा था, ठीक है, मतलब देखो एक किसी देश में अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है ना, मतलब सब अच्छा होता है, एग्रीकल्चर अच्छा तो किसान खुश, किसान खुश तो उससे ऊपर वाले खुश, उससे ऊपर वाले खुश तो सब खुश, ठीक है। जिस देश में किसान खुश होता है ना उस देश में सब खुश होते हैं, तो उस टाइम वो राजा थे बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दे रहे थे कि भाई और ज़्यादा भाई सब कुछ हो, ठीक है। सो उस टाइम हम एक फार्मर आए, ठीक है, ये आपने पूरा चोला पढ़ा, ठीक है, चोला में क्या हुआ, अभी हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में तो कुछ खास नहीं है, ऐसा बोला गया है कि उस टाइम राजा भाई इरिगेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है, इरिगेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है, और राजा भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे भाई, अच्छा फॉरेस्ट क्लियर करवाते थे ताकि किसान और अच्छी अच्छी खेती कर सके, ठीक है। सो उस टाइम के जो छोटे फार्मर्स थे जिनका नाम उर, यू आर उर, फार्मर की जाति का नाम,
ठीक है। तो ये फार्मर्स भी बहुत खुश हुए इस टाइम इरिगेशन करके। तो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नो बिकेम प्रॉस्परस, ठीक है। यहाँ एक जगह थी उर, उर क्या थी, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स मतलब फार्मर्स के रहने की जगह, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट मतलब इस जगह पे फार्मर रहते थे और इस जगह का नाम था उर। उर क्या है, उर मतलब सेटलमेंट ऑफ पीजेंट, रहने की जगह, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स किसके रहने की जगह है, ये इस जगह का नाम है उर, उर नाम है उर, ठीक है। सो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू, द विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म सेवरल। अच्छा, ये जो यहाँ पे उर जगह पे जहाँ पे किसानी किसान रहते थे, सो ये सारे किसान मिलके एक लार्जर यूनिट ग्रुप बनाते थे और उसका नाम रखा नाडू, ठीक है। ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या कहा गया है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को नाडू कहा गया है, नाडू, ठीक है। अच्छा, ये सारा चोला चोला डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। सब अभी हम साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो उस टाइम वेलाला कास्ट के पीजेंट्स रिच हुआ करते थे, ठीक है। सो कौन से रिच होते थे, पीजेंट्स का मतलब फार्मर, PEASANTS, पीजेंट्स का मतलब फार्मर, ठीक है। सो वेलाला कास्ट, वेलाला कास्ट के रिच पीजेंट्स, तो रिच पीजेंट्स कौन थे, अमीर फार्मर कौन थे, वेलाला कास्ट। ठीक है, इसके बाद ये वेलाला कास्ट के बहुत रिच थे। अंडर द द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंडे वेलम और वेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स अरियर एक्सेट्रा एज मार्कर्स और एंड इंटरेस्टेड देम विद। और कई फार्मर्स को तो राजा अच्छा अच्छा रिस्पेक्ट वाले टाइटल्स भी देते थे, कई राजाओं को राजा अच्छे अच्छे टाइटल्स भी देते थे। कौन कौन से टाइटल देते थे राजा, ऐसे नहीं होता है जैसे टाइटल नहीं दिया जाता है, आपको नहीं बनाया जाता है, स्कूल में नहीं बनाते हैं आपको, जैसे क्या बोलते हो यार आप, स्कूल में नहीं ऐसे मॉनिटर्स होते हैं उनके भी अच्छे अच्छे, कैप्टन, हेड गर्ल, हेड बॉय, दिस बॉय, दैट बॉय, ये क्या है टाइटल्स देते हैं। तो वैसे राजा, चोला राजा भी टाइटल देते थे। तो क्या टाइटल देते थे, टाइटल्स कौन कौन से थे, टाइटल्स, टाइटल्स मतलब उनको सम्मान देते थे। तो क्या क्या टाइटल्स थे, लाइक मूवेन डे वेलन, मूवेन ड वेलन मतलब वेलन का मतलब, वेलन का मतलब पीजेंट फार्मर, और फार्मर किसको भाई, राजा को, तीन राजाओं को सर्व करता है, मूवेन डेलम ये टाइटल था, इनको देते थे फार्मर्स को। और दूसरा कौन सा टाइटल देते थे, अरियर मतलब वो उनको बताते थे फार्मर्स को कि हम आपकी इज्जत करते हैं राजा ऐसा। सो अरियर दूसरा टाइटल क्या है, अरियर, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से ये राजा इन फार्मर्स को अच्छे अच्छे टाइटल्स देते थे, ठीक है। अच्छा, जब अभी हम पेज नंबर 26 पे आए, ठीक है। सो आपने देखा कि जो ब्राह्मण थे उनको उनको है ना, आपने पहले देखा हुआ है कि ब्राह्मणों को ना राजा जमीनों की जमीनें दान में दे देते थे, सो उसको ब्रह्म देय कहते थे। सो ब्राह्मणों ने क्या किया, वो कावेरी वैली के आजू बाजू आके ही रहने लगे, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों का मान था। सारे ब्राह्मण कहाँ आके रहने लगे, कावेरी, कावेरी घाट के आजू बाजू आके रहने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत मान था, ब्राह्मणों को जमीनें मिलने लगी। ब्राह्मणों को जमीनें मिलती थी, उसका नाम नाम क्या था, ब्राह्म दया, ठीक है। सो ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण, सो इसे क्या कहा गया है, ब्राह्मण दया, ब्राह्मण दया, ब्रह्म दया, ब्रह्म दया, ब्रह्म दया मतलब गिफ्ट, लैंड मतलब जमीनें देते थे ना ब्राह्मणों को, उसको ब्रह्म दया कहा गया। ये सारा मैंने आपको आज जो लेक्चर कराया ना,
मैंने बिल्कुल छोटी छोटी पॉइंट्स लिखवाई है, ये आपको मतलब अभी जैसे एमसीक्यू का पैटर्न चल रहा है, सब आपके स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं सब एमसीक्यू एमसीक्यू हॉट फेवरेट बने हुए हैं इस सीजन के, इस टाइम के कोरोना टाइम के एमसीक्यूज फेवरेट बने हुए हैं, तो एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़ें मैंने, क्योंकि एकदम शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में आपको एक एक एमसीक्यू जैसा ही करा दिया है, ठीक है। सो इसके बाद देखो, ईच ब्रह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर, दिस असेंबली वर्क वेरी इफिशियंटली और इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। सो देखो, तो ये जो ब्रह्मदेया था मतलब इनको है ना, उनको जमीनें देते थे जिसको ब्रह्मदेया कहा जाता था, और सारे ब्राह्मण आके कहाँ रहने लग गए, कावेरी वैली के आजू बाजू, वैली का मतलब घाटी, कावेरी की घाटी के आजू बाजू आके रहने लगे। सो हर ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया मतलब वो जो उनको उनको जो जमीनें देते थे राजा वगैरह, उनको मतलब उनको एक सभा देखती थी। सो ये जो सभाएं थी बहुत अच्छे से काम करती थी, और उनका जो भी डिसीशन होता था उसको इंस्क्राइब किया जाता था स्टोन्स पे, पहले तो कुछ था नहीं लिखने को, तो स्टोन्स पे इंस्क्राइब किया जाता था और मंदिरों पे लगाया जाता था। सो तो और वहाँ पे ट्रेडर्स होते थे, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स मतलब जो बनिया जाति होती थी, वो लोग भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, मतलब ब्राह्मणों का भी अच्छा स्थान था वहाँ पे, ब्राह्मणों का भी सुना जाता था डिसीजन मेकिंग में। और एक और ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स लेवेज वाले व्यापारी होते हैं, उनको नागाराम्स, साउथ में चोला में क्या कहते हैं, नागाराम्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को क्या कहा गया है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, क्या कहा गया है उन्हें, नागाराम, ठीक है, नागाराम क्या कहा गया है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को नागाराम्स। वो लोग भी ऐसे मतलब जो कहते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग भी हाथ था उनका भी। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज, ठीक है। उस टाइम जो सभा बनती थी मतलब ब्राह्मणों का जो सभा बनती थी, तो उसकी आपको वहाँ इंस्क्रिप्शन अभी मिलेंगी, इंस्क्रिप्शन मतलब वो स्टैचू चित्रे हुए मिलेंगे अगर आप ही जाओ, कहाँ जाओगे आप, सो उत्तरा मेरूर, ठीक है, उत्तरा मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ मिलेगा, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ठीक है, वहां पे आपको सब मिलेगा, ये सब पत्थर वत्थर मिलेंगे, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का जो ये तमिलनाडु का जो ये उत्तरामेरूर चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां आपको ये सभा के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। सो सभा की अलग अलग कमिटीज होती थी, जो सभा कौन, सभा किसकी होती थी, ब्राह्मणों की, ब्रह्मदेया वालों की सभाएं बनती थी, और ये जो सभा का इम्पोर्टेंस है आपको कहाँ मिलेगा, उत्तरामेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। जो सभा है उनकी कमिटियाँ होती थी, वो इरिगेशन के बारे में जानकारी करते थे, गार्डन्स टेम्पल्स, ठीक है। सो इस तरह से मतलब हर कमी ये कमिटीज बनाते थे लोगों की सेवाएं वगैरह करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से वी एंडेड दिस चैप्टर, ठीक है। हम किसी एक दिन हम पूरे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो आपको आज जितना भी पढ़ाया एक बार रीड कर लेना सारा चैप्टर, और ये सारे नाम याद कर लेना, मैंने सब में नाम आपको निकलवाए हैं, सारे नाम याद कर लेना, ठीक है। एंड प्लीज डू रीड दिस चैप्टर वेरी प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, आप सारा लिख के ढंग से मुझे भेजना, जैसे मैंने लिखाया है आपको छोटा छोटा सब याद रह जाएगा। इसके बाद रीडिंग कर लेना, क्वेश्चन आंसर्स हम किसी एक लेक्चर में पूरा दिन हम क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे इसके, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो बाकी थी वो हम कवर करेंगे। चलें, थैंक यू।